Hello and welcome back. From today onwards, we'll start with the series for economics. Basically, इसमें हम previous year questions discuss करेंगे related to economics, and I hope this will help you out in the upcoming exams for SSC. आज के lecture में हम discuss करेंगे CGL paper 2020 and कुछ shifts आज discuss करेंगे and the remaining in the upcoming lectures. Okay, so start करते हैं फर्स्ट डे से, दैट वॉज 13th of August. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से आया था, दैट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप. करेक्ट आंसर है 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, और इट इनफैक्ट 15th March 1950 वॉज द एग्जैक्ट डेट बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट चेयरमैन कौन थे उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन बिकॉज ही वॉज द देन PM. एंड फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा. ऑल्सो अंडर दिस प्लानिंग कमीशन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था वो 1951 में लॉन्च हुआ था. उसके बाद इन 2014 प्लानिंग कमीशन को बीजेपी गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ PM नरेंद्र मोदी. एंड प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस किया था? नीति आयोग इन 2015. सो प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुई थी? 1950 में. फंक्शनल 2015 तक रही, और 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया. फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? जवाहरलाल नेहरू. एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1951 में. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन जो आपको याद होने चाहिए. ऑल्सो कमिंग टू दिस नीति आयोग पार्ट, यू कैन कमेंट डाउन कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है. इट विल हेल्प यू इन द रिविजन, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, जिसे हम UTR नंबर भी कहते हैं. इज द डैश कैरेक्टर कोड यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन इन द RTGS सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ओके, तो ये 22 कैरेक्टर का कोड होता है, और ये स्टार्ट किससे होता है? स्टार्ट होता है IFSC कोड ऑफ द सेंडर्स बैंक. तो जो स्टार्टिंग होती है, द स्टार्टिंग इज द IFSC कोड ऑफ वॉट? सेंडर के बैंक का जो IFSC कोड है उससे इसकी स्टार्टिंग होती है. तो RTGS के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल RTGS आपका 24/7 अवेलेबल होता है ऑन ऑल द डेज, 24 × 7 × 365. सो 24 आवर्स, 7 डेज अ वीक एंड 365 डेज अ ईयर. With effect from 14th of December 2020. उसके बाद you should know कि there is a real-time transfer of funds to the beneficiary account, और इसीलिए हम इसे real-time gross settlement भी कहते हैं. As opposed to RTGS, हमारे पास एक और transaction system होता है, which is NEFT. Okay, तो NEFT की full form again आपको पता होनी चाहिए. NEFT क्या होता है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस आर रिसीव्ड अप टू अ पर्टिकुलर टाइम आर प्रोसेस्ड इन बैचेस. तो ये रियल टाइम सेटलमेंट नहीं करती है एज वी सी इन द RTGS सिस्टम. ओके, RTGS में क्या होता है? ट्रांजैक्शन को कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस किया जाता है, ओके, ऑन अ ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस थ्रू आउट द डे. बट NEFT में ऐसा नहीं होता है, दे आर रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड इन बैचेस. NEFT का कोड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो 16 कैरेक्टर का कोड होता है NEFT में. RTGS का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो इस ईयर हो सकता है NEFT बेस्ड क्वेश्चन आ जाए. तो RTGS में 22 कैरेक्टर्स का कोड होता है, और NEFT में 16 कैरेक्टर का कोड होता है. RTGS की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है. दे कैन आस्क यू कि RTGS में वॉट डज T स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म. सिमिलरली आपको NEFT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सो यू कैन चेक दैट आउट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. दैट वे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड ऑल्सो ये सेशन इंटरेक्टिव हो पाएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेयर इज द कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ RBL बैंक लोकेटेड.
करेक्ट आंसर इज मुंबई में आरबीएल बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस लोकेटेड है। आरबीएल पहले इसकी फुल फॉर्म होती थी रत्नाकर बैंक लिमिटेड, तो उसको जनरेशन के अकॉर्डिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न नेम देने के लिए आरबीएल बैंक लिमिटेड नाम दे दिया गया था इन 2014। देन इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक, बिकॉज ही हैज़ टेकन अप दिस पोजिशन फ्रॉम मार्च 25, 22। तो द करेक्ट आंसर वुड बी मिस्टर राजीव आहूजा इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। तो कॉरपोरेट ऑफिस इनका मुंबई में है। 2014 में रत्नाकर बैंक लिमिटेड का नाम चेंज होके आरबीएल बैंक लिमिटेड कर दिया गया था, और जो न्यू अपॉइंटमेंट अभी हुई है आरबीएल बैंक में, दैट इज ऑफ मिस्टर राजीव आहूजा हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज इन जनवरी 2021। करेक्ट आंसर इज रामा मोहन राव अमर वॉज द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ दैट टाइम। उसके बाद अब एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? उनका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है, जो कि अब गुरुग्राम हरियाणा हो गया है। और कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मार्च 2022 में, या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। उस टाइम तो ये करंट अफेयर्स रहा था, बट दिस टाइम के करंट अफेयर्स आपके लिए क्या बनेंगे इसमें से? फर्स्ट इज अश्वनी भाटिया हु इज़ द एमडी ऑफ एसबीआई, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज जो एसबीआई हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सीईओ हु वाज नितिन चुग को अपॉइंट किया गया है एज द डीएमडी, दैट इज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग। क्यों? सो एज टू ड्राइव द डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग योर एसबीआई। अश्वनी भाटिया हु वॉज एमडी ऑफ एसबीआई को अपॉइंट किया गया है एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। सेकेंड, एसबीआई ने अपॉइंट किसे किया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ नितिन चुग को अपॉइंट किया है एज डीएमडी एंड हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग। ओके, और ऑप्शंस में अगर हम और भी देखें, ये अश्वनी कुमार तिवारी कौन है? अश्वनी कुमार तिवारी इज द डायरेक्टर ऑफ योर एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड को एसबीआई से प्लीज कंफ्यूज मत करना। ओके, सो एसबीआई कार्ड के लिए बस दो पॉइंट्स हैं। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ? रामा मोहन राव अमर एंड अश्वनी कुमार तिवारी हैं डायरेक्टर। और एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन गुड़गांव और गुरुग्राम हरियाणा। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड न्यूज़ है रिलेटेड टू एसबीआई जो आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स कॉइंड द टर्मिनोलॉजी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो करेक्ट आंसर होगा राजकृष्णा जी ने इसको टर्म किया था एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, बिकॉज ही कॉइंड इट इन 1978। और वो रेफर किस चीज़ को कर रहे थे? वो इस चीज़ को रेफर कर रहे थे कि देर वॉज लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम में। ओके, और वो लो एनुअल ग्रोथ रेट क्या था? लो एनुअल ग्रोथ रेट वॉज ऑफ जस्ट 3.5%। इसीलिए ही सेड इट एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बाकी और भी चीज़ें जिसकी वजह से इन्होंने इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था, बट यू शुड जस्ट नो कि उस टाइम ग्रोथ रेट काफ़ी लो चल रहा था। ओके, और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टेक्स इनटू अकाउंट जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। किसी एग्जाम में बीपीएससी और समथिंग में ये पूछा भी गया था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू वॉट, और इट टेक्स इनटू अकाउंट वॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उधर आंसर था जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ ऑफ द कंट्री। फिर ऑप्शंस हमें बिमल जलान
अमिया कुमार बागची और विजय केलकर क्यों दिए गए थे, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिमल जलान वॉज फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, और आपको ये भी याद रखना है कि बिमल जलान जी के टेन्योर में 1,000 रुपीज़ का नोट इंट्रोड्यूस हुआ था। देन अमिया कुमार बागची वॉज ऑल्सो रिनोन्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। देन विजय केलकर के अंडर केलकर कमेटी सेटअप हुई थी, विच वॉज हेडेड बाई विजय केलकर, और क्या इवेल्युएट कर रहे थे, पीपीपी इन इंडिया, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को उन्होंने इवेल्युएट किया था और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी थी, एंड इट वॉज सेटअप फॉलोइंग द 2015 यूनियन बजट। ओके, और बिमल जलान ने कुछ बुक्स लिखी हैं, हु वॉज आर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, सो उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको याद होनी चाहिए। द इंडिया स्टोरी 2021 में उन्होंने लिखी थी, इंडिया देन एंड नाउ 2020 में उन्होंने लिखी थी, उससे पहले इंडिया अहेड और पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स भी उन्होंने ही लिखी है। ओके, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म किसने दी थी, मिस्टर राजकृष्णन ने दी थी, बिकॉज 1978 और उससे पहले, इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो काफ़ी लो था, विच वॉज 3.5%। और ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इट टेक्स इन टू अकाउंट द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देन बिमल जलान वॉज आर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, और उनके टेन्योर में 1,000 रुपीज़ का नोट इंट्रोड्यूस हुआ था, कुछ बुक्स उन्होंने लिखी हैं, इंडिया स्टोरी, इंडिया देन एंड नाउ। फिर विजय केलकर कमेटी को सेटअप किया गया था, तो टू इवेल्युएट दी पीपीपी मॉडल इन इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको और कहीं इनको रेफर ना करना पड़े। देन कमिंग टू 16 अगस्त वाली शिफ्ट, ऑल्सो इकोनॉमिक्स के आपको शिफ्ट में शायद एट मैक्स 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, नॉट मोर देन दैट, बट जस्ट डिस्कसिंग इट हेयर सो दैट यू कैन टिक द करेक्ट ऑप्शन देयर, बिकॉज 4 मार्क्स मैटर अलॉट, राइट। सो 16 अगस्त को जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, दैट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्ड, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 279A, और उसमें भी आर्टिकल 279A1 एंड A4 है। A1 क्या कर, एज पर आर्टिकल 279A1 ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो ये था 279A1, जिसमें क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आया था। देन 279A4 में क्या था, इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, द काउंसिल विल मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड द स्टेट्स, और किसके रिगार्डिंग, ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, जैसे कौन सी गुड्स और सर्विस को हम जीएसटी के अंडर लाएंगे या एग्जेम्प्ट करेंगे, फिर कुछ जीएसटी लॉज, फिर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑन जीएसटी। तो ये सब आपका 279A आर्टिकल में आता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, 2 + 7 गिव्स यू 9, सिमिलरली सेंटर प्लस स्टेट मिला के हमारी जीएसटी काउंसिल बनती है। और जीएसटी काउंसिल की बात हो ही रही है, तो जीएसटी काउंसिल में हु इज़ योर चेयर पर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, योर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ दी चेयर पर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, राइट नाउ द चेयरपर्सन इज मिस निर्मला सीतारमन, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। और ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 246A क्या कहता है, आर्टिकल 246A गिव स्पेशल पावर टू द सेंटर एंड स्टेट्स टू मेक लॉज टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, और इससे एक्सक्लूसिव पावर मिलती है टू द सेंटर टू मेक लॉज फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज, ये है आर्टिकल 246A। फिर आर्टिकल 323A रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस लिए सेटअप किए जाते हैं, फॉर योर ट्रायल्स फॉर डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स
जो कि किसी कंडीशन से रिलेटेड होती हैं फॉर सर्विस ऑफ पीपल अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विसेज के लिए. बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर ट्रायल्स फॉर पीपल हु आर सर्विसिंग और हु हैव सम कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पीपल अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज. देन 279A हमने डिस्कस कर लिया है. आर्टिकल 269A स्टिपुलेट्स दैट GST ऑन सप्लाइज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेवीड एंड कलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी उसे. ऑल्सो इट स्टिपुलेट्स कि जो टैक्स कलेक्ट हुआ है ये यूनियन और स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा. राइट, तो GST काउंसिल की क्रिएशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? 279A. 279A1 में GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और 279A4 में द काउंसिल विल मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट्स ऑन सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द GST. 264A रिलेटेड टू क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू योर स्पेशल पावर टू सेंटर एंड स्टेट्स टू मेक लॉज टू GST. और 269A क्या है? दिस टेल्स यू अबाउट सप्लाईज इन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स. ऑल्सो इट टेल्स अस कि कैसे जो टैक्स है वो डिवाइड किया जाएगा यूनियन और स्टेट्स के बीच में, टैक्स अमाउंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डोनट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल डोनट मॉडल इसे क्यों कहते हैं? यू कैन सी द फिगर, ये एक डोनट की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम डोनट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रख दिया गया. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय केट रैवर्थ. देन इट कंबाइंस वॉट? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिटरी बाउंड्रीज विद द कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बाउंड्रीज. तभी यहाँ पे आपको सोशल फाउंडेशन और इकोलॉजिकल सीलिंग दिख रही होगी. ओके, अगर हम इसके सेंटर में जाएँ या फिर कोर पे जाएँ तो उसका मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल दैट लैक the access to life's basic essentials. और basic essentials क्या हैं? water, food, health, education. तो अगर center की तरफ जाते जाओगे तो आपको lack दिखेगा और अगर इस green ecological ceiling के पार जाओगे तो there will be overshoot. So this model tells us कि कैसे आपको एक balance बना के रखना है with the planetary boundaries and the social boundaries. तो correct answer है it envisions a world in which people and planet can thrive in balance. Also, in this model, an economy is considered prosperous when all the 12 social foundations are met. और वो social foundations क्या हैं? Energy, water, food, health, education, income. ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि social foundations 12 हैं, are met without overshooting any of the 9 ecological ceilings. Ecological ceilings अगर आपने overshoot कर दी तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी, एयर पॉल्यूशन होगा एंड अदर सच हार्मफुल इफेक्ट्स टू योर इकोलॉजी और योर प्लैनेट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं विच आर अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस. एक्सेप्टेबिलिटी एक फीचर नहीं है ऑफ फूड सिक्योरिटी और ये जो फैक्टर्स हैं दे कम अंडर योर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विच मेजर्स द अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स. अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स डिज़ाइन कौन करता है? इट इज़ डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाई लंडन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट and is sponsored by Corteva AgriScience. One thing, also जो latest Global Food Security Index था of 2021 उसके according India की rank is 71 out of 113 countries. तो Global Food Security Index में India की rank क्या है? 71 out of 113. ये इंडेक्स डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय लंडन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टेवा एग्री साइंस. इसमें 4 ड्राइवर्स होते हैं. अच्छा, इट मेजर्स द अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फॉलोइंग 4 फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या हैं? फूड अफोर्डेबल है या नहीं है,
वो अवेलेबल है या नहीं है, फूड की क्वालिटी और सेफ्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रेट मेजर्स राइजिंग प्राइजेस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। कोर इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है जो आपके राइजिंग प्राइजेस को मेजर करता है, बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करता है, बट वो फूड और एनर्जी के प्राइजेस को इग्नोर करता है। और वो ऐसा ऐसा क्यों किया जाता है कि फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस को इग्नोर कर दिया जाता है? दिस इज़ बिकॉज जो फूड और एनर्जी के प्राइसेस हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एज यू कैन सी इन दीज डेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग पेट्रोल एंड अदर डीजल एंड सीएनजी प्राइसेस। ओके, दे आर क्वाइट वॉलेटाइल एंड दे आर फ्लक्चुएटिंग वाइडली। तो अगर आपको कोर इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करना है, देन आप फूड और एनर्जी को नहीं इंक्लूड करेंगे। और बाकी ऑप्शंस क्या है? वेज इन्फ्लेशन क्या होता है? वेज इन्फ्लेशन होता है योर इंक्रीज इन अमाउंट दैट पीपल अर्न, बेसिकली इंक्रीज्ड वेजेस को जब हम देखते हैं तो वो वेज इन्फ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन एक टर्म है जो स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन से बनी है। और इस सिचुएशन में क्या होता है स्टैगनेशन में, कि जो आपकी इकोनॉमी है वहाँ पे देर इज़ अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड स्टैगनेशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। तो स्टैगनेशन किस चीज़ का है? इकोनॉमिक आउटपुट का स्टैगनेशन है। और इन्फ्लेशन आपको पता है देर इज़ अ राइट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, तो इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो हो जाता है, स्टैगनेशन आ जाती है इकोनॉमी में, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हाई होती है। ऑल्सो इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ स्टैगफ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज़ अ फॉल इन द ओवरऑल प्राइसेस इन एन इकोनॉमी। एंड अब जब प्राइसेस फॉल होंगे तो परचेजिंग पावर करेंसी की बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर एज इन आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज उससे परचेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट गुड। इकोनॉमिक्स में कुछ गुड्स को हमने डिवाइड किया हुआ, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो काफ़ी बेसिक डिविजन है वो है प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड का। एटलीस्ट आपको ये दोनों टाइप्स याद होने चाहिए कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए देर आर टू फैक्टर्स, एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी भी कहते हैं इसको वैसे। तो एक्सक्लूडेबिलिटी कहता है कि जो प्रोड्यूसर है ही कैन नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज। और राइवलरी कहता है कि अगर कोई एक इंसान उस गुड और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है तो वो दूसरे इंसान या कंज्यूमर के लिए उस गुड या सर्विस की अमाउंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। दैट इज़ वंस कंजम्पशन कैन नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर समवन एल्सेस कंजम्पशन। तो पहले देखते हैं, अगर आपकी गुड एक्सक्लूडेबल है और राइवल है तो उसे हम प्राइवेट गुड कहते हैं। जैसे कोई भी फूड है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हो तो दूसरे कंज्यूमर के लिए वो फूड कम हो जाएगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। एंड सेकंड, आप किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हो अगर आप उस फूड को अपने फूड को शेयर नहीं कर रहे हैं। अदर एग्जांपल कैन बी होम्स, कार्स, फूड एंड क्लोथिंग। सिमिलरली अगर आपकी गुड नॉन एक्सक्लूडेबल है कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसकी कंजम्पशन से एंड नॉन राइवल है, दैट इज किसी की कंजम्पशन किसी दूसरे इंसान की कंजम्पशन पर अफेक्ट नहीं डाल रही है, देन दैट इज अ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। एग्जाम्पल क्या है? नेशनल डिफेंस। द पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन अ बॉर्डर फॉर अस, अगर कोई भी नेशनल डिफेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको आप यूज़ कर रहे हैं उसको, तो दैट डज नॉट इम्प्लाई कि कोई और इंसान उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, तो नॉन एक्सक्लूडेबल है। ओके, सबको इक्वली प्रोवाइड किया जा रहा है और नॉन राइवल है बिकॉज योर कंजम्पशन और योर यूज़ ऑफ दैट नेशनल डिफेंस डज नॉट रिड्यूस अदर पर्सन यूज़ ऑफ नेशनल डिफेंस। और कोई और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं?
क्लीन एयर. ओके, वी ब्रीद द सेम एयर, यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन एल्स फ्रॉम ब्रीदिंग दैट एयर. एंड ऑल्सो योर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन वॉन्ट रिड्यूस समवन एल्सेज अवेलेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो अगर राइवल है और एक्सक्लूडेबल है तो प्राइवेट गुड होगी. सो अ गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड इज अ प्राइवेट गुड. सिमिलरली, अगर राइवल है पर नॉन एक्सक्लूडेबल है तो वो कॉमन रिसोर्स हो जाता है, जैसे कोई शेयर्ड ग्रेजिंग लैंड. और अगर एक्सक्लूडेबल है बट नॉन राइवल है तो उसको हम क्लब गुड्स कह देते हैं. जैसे आपके पास अगर कोई प्राइवेट टोल रोड है तो आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो बाय डिमांडिंग टोल, बट समवंस यूज ऑफ दैट रोड वोंट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर समवन एल्सेस यूज ऑफ दैट रोड. सिमिलरली सब्सक्रिप्शन ब्रॉडकास्ट्स. ओके, तो प्राइवेट गुड क्या होती है? जो एक सिंगल कंज्यूमर या हाउस होल्ड ही कंज्यूम कर पाता है. और उसकी फीचर्स क्या होते हैं? दैट इट इज एक्सक्लूडेबल एंड राइवल इन नेचर. सो ए नॉन राइवल इन कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूडेबल अगर होता तो वो पब्लिक गुड होती. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड ग्रुप कैसे नाम पड़ा? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD से नाम इसका क्वाड ग्रुप पड़ा है. और चार नेशंस हैं हु आर अ पार्ट ऑफ दिस क्वाड ग्रुप: ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड इंडिया. ओके, सो इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड US दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. कैनेडा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप. ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट इज क्वाड ग्रुप को चाइना कहता है कि दिस इज जस्ट लाइक नाटो. ओके, आई होप यू नो वॉट इज नाटो नेशंस. ओके, सो चाइना क्रिटिसाइजेज दिस क्वाड ग्रुप गिविंग a reasoning that it is just equivalent to the NATO group. Then next question, which of the following states topped the second edition of Indian Innovation Index released by Niti Aayog in Jan 2021? Answer is Karnataka. Us time jab exam hua tha, this was one of the current affairs, but is time ke exam mein kya aa sakta hai? They can also ask you about Global Innovation Index, जो कि रिपोर्ट पब्लिश हुई थी सितंबर 2021 में. उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 46 आउट ऑफ 132 कंट्रीज. लॉन्च किसने किया है? वीपो ने, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN. 80 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है. और उसको ग्रुप किस में किया गया है? इनोवेशन इनपुट्स एंड इनोवेशन आउटपुट्स में. राइट, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड इंडिया की रैंक इसमें इम्प्रूव हुई है. आई डोंट रिमेंबर बाय हाउ मच, बट या इंडिया हैड इम्प्रूव्ड इन दिस रैंक एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. देन SHG प्रमोट्स थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शन बाय अ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप. SHG क्या होता है? SHG इज योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो एच स्टैंड्स फॉर हेल्प. ये क्या होते हैं? ये इनफॉर्मल एसोसिएशन होते हैं पीपल के, एंड दीज पीपल आर मोस्टली वेमेन, जो कि एक ग्रुप बनाते हैं एंड दे कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस. ठीक है, और इससे क्या होता है? उनकी सोशल कैपिटल बिल्ड होती है. ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक जा सकती हैं ईजिली. दे डोंट हैव अ कोलैटरल एज सच, बट वेन दे आर इन SHG दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो अब वो फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. ऑल्सो इट एनकरेजेस द मेंबर्स टू सेव देयर अर्निंग्स. अब जो सेव हुआ है वो अपने आप में वो एक दूसरे को लेंड भी कर सकते हैं. सो SHGs incentivize the banks to lend to poor and the marginalized sections of society because of their assurance or returns. And many people advocate कि since this is
स्पेशली अ ग्रुप ऑफ वीमेन, सो इट गिव्स मोर क्रेडिबिलिटी टू दैट ग्रुप, और इसीलिए अब जो बैंक्स हैं उनको लेंड कर सकते हैं बिकॉज दे नो कि अब एश्योरेंस है कि उनके पास रिटर्न आएगा. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. आज के सेशन में हमने शिफ्ट डिस्कस करी, ऑल द 3 शिफ्ट ऑफ योर 2 डेज, दैट वॉज 13th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट. इन द कमिंग लेक्चर्स वील डिस्कस अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर शिफ्ट एज वेल. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर्स कंप्लीट हो पाएँ वो हम कंप्लीट करें बिफोर योर CGL Tier 1 एग्जाम. एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू कॉन्टिन्यू विद दिस सीरीज विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर CHSL एग्जाम एज वेल. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड दीज आर सम मेथड्स जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू कैन मेल अस, यू कैन व्हाट्सएप और टेलीग्राम. ऑल्सो अगर कोई टॉपिक है विच यू थिंक कि आई शुड बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, सो यू कैन कमेंट दैट डाउन. एंड ऑल्सो लेट मी नो अबाउट द रिव्यू ऑफ टूडे सेशन. वॉज इट हेल्पफुल एंड इफ यू कुड अंडरस्टैंड इट, एंड अबाउट द मेथड विच आई अडॉप्टेड फॉर टीचिंग बेसिकली द प्रीवियस ईयर्स. थैंक यू सो मच.